हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। वेलकम बैक टू मनीषा टंडन व्लॉग्स। तो कल है कबीर का बर्थडे, मैं इसको ट्यूशन से लेकर आ रही हूँ और अब हम आ गए हैं बेकरी शॉप पे, क्योंकि अगर बच्चे का बर्थडे है तो उसके पसंद से ही हमें केक मंगाना चाहिए और कबीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। साइशा ट्यूशन पढ़ रही है, तब तक हमने सोचा चलो ठीक है, कबीर को हम लेके चलते हैं केक वाली शॉप पे और उसको हम केक पसंद करवाते हैं। कबीर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार अपने केक पसंद करने आया था, तो बहुत सारी वैरायटीज़ देख के कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मैं कौन सा मम्मा केक लूँ। और कभी वो कह रहा था कि मुझे जैम वाला चाहिए, कभी स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी ना वहाँ पे। तो फाइनली हमने केक पसंद करा और हम घर की तरफ चल दिए। एंड देन खाना वाना खाया और रात को केक कटना था और हमारे को सरप्राइज़ मिला मेरी मम्मी से और मेरे भाई से। तो मम्मी और भाई ने सरप्राइज़ दिया आके और कबीर के बर्थडे के लिए केक लेकर आए थे। ये जो आप देख रहे हो ना, बियर शेप में बना हुआ है, ये मेरा भाई लेकर आया था और ये जो जैम वाला है ये हमने लिया था। और दोनों ही केक बहुत यम्मी थे और कबीर बहुत एक्साइटेड था कि मुझे फटाफट से केक काटना है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखो ये क्या है, जल्दी देखो ये किसी ने कुछ भिजवाया है कबीर के लिए। देख स्पीड, देखो स्पीड, ये वाह जी वाह, गिफ्ट है ये। तो किसको दिए गिफ्ट ये, खुद देखो, ये सरगम बुआ ने भिजवाया है। ये स्पीड क्या है, ये वॉच है, कैसे बता, उसे पता था। ये वॉच दी है, वाओ। मुझे ये कबीर मांगी थी ना तूने बुआ से, हाँ? क्या बोला था बुआ को, हाँ? बुआ को क्या बोला था, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे वॉच चाहिए। अच्छा, हाँ। तभी बुआ ने भिजवाई है वॉच। मैं खोल देती हूँ, ला यो। मैं खोलूं है पक्का, ये मैं रख लूं, फिर जब मैं खोलूंगी तो मैं रख लूंगी। वाओ, कौन से कलर की है, ब्लू ब्लू। मेरे पास ये कौन करी है, मेरे पास ये कौन करी है। चलो एक और आ गई कबीर के पास, वाओ। चलो बुआ को थैंक यू बोलना अभी फोन करके, ठीक है, बोलो बुआ थैंक यू सो मच। कबीर ने तो ये वॉच मांगी थी बुआ से, है ना, हाँ। और कब से कबीर पीछे पड़ता है, बुआ मुझे वॉच दे दो, वॉच दे दो। मेरे की आ जाती वॉच थी, मुझे पापा दे आई थी, बैटर आ रही, मगर वो खो गई। खो गई नहीं, वॉच कभी वो रखी है, खोई नहीं है, पापा कह रहे रखी हुई है, वो खोई नहीं है। चलो अच्छी लगी ना, इसमें कुछ और क्या है, ये सोच रहे इसको और भी कुछ मिले। अभी एक गिफ्ट और ड्यू है, क्या, मम्मी पापा, मम्मी और पापा की तरफ से जो कबीर ने मांगा है वो सरप्राइज है, क्या? वो जब हम बर्थडे पार्टी करेंगे ना कबीर की, तब देखेंगे क्या देना कबीर को। शक्ल देख, शक्ल सरप्राइज मिलेगा।
आज बर्थडे है और कबीर की कटिंग करवानी थी, कबीर गया था कटिंग करवाने, और यहाँ पे आप इसके देखो ड्रामे, इसकी नौटंकी, इसकी नॉटीनेस देखो यहाँ पे भी चलती है। वो बेचारा कंघी से सेट कर रहे हैं भैया और ये क्योंकि सेटिंग खराब कर रहा है। तो चलिए जब तक ये कटिंग करता है हम काम निपटाते हैं। तो चलिए जब तक कबीर की हो रही है कटिंग, कबीर अपनी कटिंग करवा रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए कोई ड्रेसेस मंगवाई है। तो जो मैंने ड्रेसेस मंगाई है वो मंगाई है फर्स्ट क्राई से, तो एक आज पहनाऊंगी और एक देखते हैं जब भी मतलब अच्छा लगेगा, तो जो कबीर को अच्छा लगेगा मैं उसको वही पहनाऊंगी। तो चलो ड्रेस देखते हैं। सो दीज आर द बेबी हग ब्रांड, बेबी हग ब्रांड है ये दोनों जितने भी मेरे कपड़े आए हैं बच्चों के। सो दीज आर द क्लोथ्स विच आई ऑर्डर फॉर कबीर, फर्स्ट प्राइस से मैंने मंगाया है ये देख सकते हो ये, और बेबी हग का ये ब्रांड है, ये भी बेबी हग का ब्रांड है। इसको बेबी हग के कपड़े मतलब सूट कर जाते हैं और धोने के बाद ना कपड़े अच्छे निकलते हैं। तो एक तो मैंने ये सेट मंगाया है और एक मैंने ये सेट मंगाया है, इसको क्या बोलेंगे, कोई कार्टून बना होता है हल्का, आपको दिखाती हूँ। वो बच्चों के चल रहे हैं पेपर तो हम उनको ना कहीं लेके नहीं जा सकते, तो मतलब ये दिमाग में आया था कि बच्चे को कबीर से मैं पूछूंगी बेसिकली कबीर कहाँ जाना चाहता है, तो उसने मुझे कहा था मम्मी मैगडी लेके चलना, और कबीर मान भी गया कि जो उसका सेलिब्रेशन होगा वो एग्जाम के बाद होगा। तो जब कबीर को मैंने बोला कबीर अभी एग्जाम चल रहे हैं और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपका बर्थडे मैगडी में चल के मनाएंगे और जब एग्जाम्स हम ओवर कर लेंगे ना, खत्म हो जाएंगे कबीर का, हम फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए ड्रेस देखते हैं। देखो तो एक मैंने जिसकी ड्रेस मंगाई है बेबी हग की, ये कुछ इस तरह से है। इसके ना मुझे इस पे काम बहुत अच्छा लगा, जो इसमें नीज वर्क, ये देखो ये नीचे का है और ये नीज पे आएगा, ठीक है। एक ये ड्रेस है और एक ये कबीर को बहुत पसंद आई है, हल्क वाली ड्रेस मैंने मंगवाई है इसकी, हल्क बोलते हैं और कौन सा कार्टून बोलते हैं पता नहीं, ये तो कबीर को ये बहुत पसंद आई। इसका जो लोअर है ना, उसके लोअर में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखो ये इसका लोअर है। तो मैं साइशा से पूछ के बताती हूँ, साइशा इसी इस कैरेक्टर का, कार्टून कैरेक्टर का नाम क्या है? ये तो हल्क होता है ना, ये क्या होता है? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका, और ये कैप्टन अमेरिका ये हल्क है, ये लोअर है, ये टी शर्ट है, कबीर को तो बहुत पसंद आई है। और ये जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का जैसे रहता है ना थीम, उस टाइप में मैंने मंगाई है और कबीर को तो बहुत अच्छी लगी है दोनों के दोनों। अब देखते हैं कि ये शाम को क्या पहनता है। और हाँ एक चीज़ तो आपको दिखाना ही भूल गई कि जब कभी ट्यूशन गया था तो अपनी दीदी के लिए ना छोटी सी कोई चॉकलेट लेके गया था, जैसे हम स्कूल में जैसे बच्चों को जाते हैं तो मैम को या बच्चों को देते हैं ना, तो वो अपनी ट्यूशन वाली दीदी के लिए चॉकलेट लेके गया था और उन्होंने कबीर को बर्थडे गिफ्ट में ये दिया है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे को चीज़ें मिलती है ना, तो मुझे हमें भी अपने टाइम पे बहुत अच्छा लगता था बचपन में जब कोई चीज़ मिलती थी, चाहे वो छोटी सी चीज़ मिले चाहे बड़ी चीज़ मिले, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। तो ऐसे जब कबीर लेकर आया तो घर में बहुत एक्साइटेड था और बोल रहा था आज दीदी ने मेरे को चॉकलेट दिया है। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, कुछ घर वगैरह का कुछ मेरा काम पेंडिंग था वो काम कर रही हूँ, साइशा पढ़ाई कर रही है क्योंकि साइशा का भी पेपर है और कबीर का भी एग्जाम है, लेकिन कबीर जो है बस अभी आने ही वाला है, तब तक हम देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। आज मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, तो मैं आपको बाहर अपना व्यू दिखा रही हूँ, हमारे बेडरूम से व्यू है, पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा देता है गर्मियों में। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अपने प्लांट्स, पता है प्लांट्स के साथ क्या हो गया, हमारे घर में आ गए 4 से 5 बंदर, घर में नहीं आए बालकनी में आए, और उन्होंने मेरे 4 से 5 प्लांट्स गमले समेत नीचे गिरा दिए। अब वो गमले तो टूट ही गए और मेरे प्लांट्स भी मोस्टली ख़राब हो गए, तो जो फ्लावर्स वाले मतलब मेरे मोस्टली प्लांट्स थे वो टूट गए हैं। अब मेरा मन करता है कुछ ऐसा फ्लावर वाला कुछ चीज़ मिल जाए, ऐसा प्लांट मिल जाए जो मैं लगा सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो मैंने देखा भैया आ रहे थे, तो मैंने भैया नीचे वाले को आवाज़ लगाई, मैंने कहा मुझे एक फूल दे दो आप और ऊपर आके थोड़ा सेट भी कर दो, बिकॉज मेरे एक दो प्लांट्स टूट गए हैं, गमले टूट गए हैं, और मेरे शमी भगवान जी का आप ये देख रहे हो ना जो पौधा है, इसका भी गमला टूट गया था, तो मैंने इसको पूरे दूसरे वाले गमले में इसको नया करवा के अरेंज करवाया। कबीर को कौन सी टी शर्ट पसंद आई, हल्क वाली है कबीर की फेवरेट है? मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, ये वाली पसंद नहीं आई, ये वाली तो अच्छी है। नहीं अगर मैं बैडमिंटन खेलने को तब पहनूंगा जो तुम्हें। अच्छा क्योंकि क्रिकेट की तरह लगती है वो इसलिए। चलो कोई नहीं, पापा बना रहे हैं, कबीर हमारा बहुत चूजी बच्चा है, हैं पहले वो वाले इसको कपड़े पहना है फिर ये वाले कपड़े पहन रहा है कबीर। कबीर पहन रहा है अपने शूज, बर्थडे बॉय हमारा। अरे वाह, तो लाइट जल पड़ी, कबीर के शूज में से लाइट निकलती है। हाँ। वाओ, शो मी योर फेस कबीर। इधर आ, फिश फिश के मालूम।
अब दूसरा जेरा, दूसरा वाला जेरा आपे आपे पहनते है ना। चलो पहनो, जब तक हेयर दिस इज माय लुक। सो यहाँ पे साईशा भी रेडी हो गई, ठीक है साईशा, चलो। और मैंने पहन लिए है अपने यहाँ पे शूज, लॉन्ग शूज, एंड आई एम रेडी। हमारी पिज़्ज़ा पार्टी यहाँ पे ख़त्म, और अब हम जाने लगे हैं घर। लेकिन घर जाने से पहले कुछ पिक्चर्स तो बनती है ना, तो हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। और बस हम जाने से पहले मैंने बच्चों को बोला चलो ठीक है सबको आप बाय बाय कर दो। मज़ा आया? नाचो, नाचो, बाय कर दो, बाय।